एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माय बंदे बॉक्स। और आपको आखिरी वाला जो हमारा वीडियो है, जो उसमें गार्गी ने आपको ऑथेंटिक बिरयानी खिलाई थी, वो कैसी लगी आपने बताया नहीं, आप प्लीज़ बताइए उसके बारे में। और उसी बिरयानी को पूरा करने के लिए, मतलब उस बिरयानी को जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम, और वहाँ के लिए कहाँ आए हम? हम आपको लेकर आए हैं एक बहुत ही स्पेशल जगह पर जहाँ का बिरयानी बहुत फेमस है। इस जगह का नाम मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगी, तो आपको उससे पहले करना है कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करिएगा और इस वीडियो पर हमारे साथ बनी रहिए, तभी आपको पता चलेगा कि हम कहाँ पे आए हैं, कहाँ की बिरयानी के लिए हम आज वीडियो शूट करने वाले हैं और कहाँ का एक्सपीरियंस हम आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। राइट right. लास्ट टाइम मैंने जो गार्गीज किचन में बिरयानी बना के आप सब लोगों को खिलाया था, आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करा था, सो जॉय रियली लव्ड इट एंड ही प्रॉमिस्ड मी कि वो मुझे एक जगह पे लेकर आएगा जहाँ की बिरयानी साइमल्टेनियसली बहुत फेमस है, बहुत ही डिलीशियस है, एंड ही ब्रॉट मी हियर। नेम आई वुड लाइक कि सुजय खुद ही, क्योंकि वो लेकर आया, तो सुजय खुद ही आप लोगों के साथ नाम शेयर करें। सो दोस्तों, जहाँ पे आज हम आए हैं, इस जगह का नाम है तंदूरी फ्लेम्स, और बेसिकली ये लोग जो सर्व करते हैं वो करते हैं हैदराबादी दम बिरयानी, टिपिकल ऑथेंटिक हैदराबादी दम बिरयानी। पहले भी गार्गी ने एक दो जगह का हैदराबादी दम बिरयानी खा रखा है और उम्मीद है उसको यहाँ का भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सो हैदराबादी दम बिरयानी के अलावा भी कुछ चीज़ें इनके बहुत फेमस हैं, जैसे ये कुछ कबाब के प्लेटर्स हैं जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं नए, तो इन्होंने बोला है कि उसको ट्राई करने के लिए, तो हम ज़रूर वो भी ट्राई करेंगे और साथ में साथ हैदराबादी दम बिरयानी भी ट्राई करेंगे, क्योंकि बिरयानी एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा सबका फेवरेट होता है। मतलब अगर कोई नॉनवेज का लवर होगा वो बिरयानी तो हमेशा खाएगा ही खाएगा, मतलब ऐसा कोई होता नहीं है कि कोई नॉनवेज लवर है और जिसको बिरयानी पसंद नहीं है। तुम्हें बिरयानी कितनी पसंद है? मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, और बिरयानी स्पेसिफिकली यहाँ पे जयपुर में जो टिपिकल ऑथेंटिक बिरयानी होती है वो मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो दीज हस्बैंड वाइफ हु रन्स दिस रेस्टोरेंट, इनकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि दे बिलोंग्स फ्रॉम हैदराबाद इटसेल्फ, और दे थॉरली, जो इनसे अभी मेरा कॉन्वर्सेशन चल रहा था बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा हमारी बातचीत चल रही थी कि UAE में जब ये लोग सेटल थे और वहाँ पे किस टाइप के फूड्स ये लोग एक्सप्लोर करते थे, कितनी वेराइटीज़ थी व्हेन दे केम बैक हियर इन जयपुर, और उसके बाद यहाँ पे दे फाउंडेड कि हाँ, मतलब वेराइटीज़ ऑफ फूड्स है, लेकिन जो बिरयानी जो बहुत ज़्यादा फेमस होती है नॉनवेज लवर्स में, फूड लवर्स में, उसकी ऑथेंटिसिटी उतनी ज़्यादा मेंटेन नहीं हो पाती है। सो दे ट्राइड देयर हैंड्स ओवर देयर एंड ऑब्वियसली पीपल रियली अप्रिशिएट देम अ लॉट, इनको बहुत बहुत सक्सेस मिला था और बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया था। सो दे इन्वाइटेड अस कि दे वॉन्टेड अस ऑल्सो टू ट्राई देयर बिरयानी एंड शेयर द रिव्यूज़ विद यू ऑल ऑल्सो, सो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड जल्दी से हमारा खाना आ जाता है, फिर हम आप लोगों से शेयर करेंगे कि आज हम क्या क्या डिश ट्राई करने वाले हैं। ज़्यादा टाइम अब नहीं निकाल लेते हुए जल्दी से खाना ऑर्डर करते हैं और खाने पर टूट पड़ते हैं। राइट, ठीक है, चलिए।
फाइनली हम लोगों का खाना आ चुका है और बहुत ही डिलीशियस लग रहा है दिखने में। खाना तो हम बाद में खाते हैं लेकिन ऑब्वियसली उसका लुक, उसका जो प्रेजेंटेशन है, दैट रियली मैटर्स अ लॉट। सो दिस इज़ आर दम बिरयानी और साथ में हमारे पास जो टिपिकल स्टाइल के जो मैदे के पराठे होते हैं, दैट टू इन ट्राइंगल शेप, हमको वो सर्व किया गया है, गलौटी कबाब। सो ये है सूफियाना टिक्का, ये है हरियाली टिक्का, ये है मलाई टिक्का और ये जो है नॉर्मल तो चिकन टिक्का है वो है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टार्टर्स के साथ में। और पहले हम स्टार्टर जो है क्या खाना पसंद करोगे? मैं लेता हूँ ये आपका कबाब, इट्स टिक्का गलौटी कबाब भी लेंगे। सो आई एम गोइंग टू टेस्ट दी हरियाली टिक्का। और मैंने सूफियाना लिया है। ओके, टेस्ट बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है हरियाली टिक्का जो मैंने टेस्ट किया है। अभी बाकी की चीज़ें टेस्ट करना बाकी है। सूफियाना भी बहुत अच्छा है खाने में। नेक्स्ट चलते हैं सूफियाने की तरफ, क्योंकि सुजय बहुत तारीफ कर रहा है। सो लेट्स ट्राई करते हैं। हरी चटनी बहुत अच्छी बनाई है, वेरी नाइस। और सीरियसली इसके साथ में जो चटनी सर्व करी गई है उसका प्रेजेंटेशन तो नो डाउट बहुत ही अच्छा है। मेरे को जो उन्होंने एक छोटे से बाउल में, जो छोटे से एक डेगची स्टाइल में सर्व करा है, मुझे बहुत क्यूट लगा था। मैंने देखते ही बोला था कि आई रियली लव दिस। लेकिन साथ ही साथ में जो चटनी है, दैट रियली टेस्ट सो वेरी वेल। नेक्स्ट जो मैं ट्राई कर रही हूँ, दिस इज चिकन टिक्का। अच्छा जूसी है। हरा भरा कबाब ट्राई करता हूँ फिर से। मेरे मुँह का फिनिश होने दो, तुम खाते रहो। वेरी नाइस। ये तरीका सच में बहुत टेस्टी था। पराठे के साथ में टिक्के को रैप करके और उसमें सैलेड और नींबू और सारी चीज़ें मिक्स करके, आई एम गोइंग टू ट्राई वन मोर। इसलिए मैंने पराठे मंगवाए थे। अब टिक्का ट्राई करके देखती हूँ। हाउ अबाउट गलौटी कबाब? अगर मैं इसमें गलौटी कबाब, हमारे पास क्योंकि और अच्छा लगेगा, हमारे पास एक ऑप्शन गलौटी कबाब भी है, तो टिक्का तो नो डाउट बहुत ही टेस्टी लगा खाने में। गलौटी कबाब से ट्राई करके देखती हूँ। गुड जॉब।
परफेक्ट। तो जैसे जैसे हमने ऑलमोस्ट हमारे स्टार्टर को ख़त्म कर दिया है, अब हमारा जो मेन कोर्स है जिसके लिए हम आए हैं यहाँ पे right. वो है बिरयानी। तो फटाफट इसको क्लीन करते हैं, करवाते हैं और फिर हम बिरयानी को फोकस करेंगे राइट right? तो फाइनली बारी आ गई है हमारे मेन जो मतलब हीरो है ना, जैसे कहते हैं मतलब खाने का हीरो, हमारे इस एपिसोड का जो हीरो है, हाँ राइट right. बारी आ गई है जिसके लिए हम खास आए हैं। और आपने तो खुद नहीं देखा कि ये कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है दिखने में, मुंह में आपके पानी आ रहा है मैं मान रहा हूँ, लेकिन क्या करें हमारे भी आ रहे हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। आपको अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं कि इस लोकेशन में आ सकते हैं, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं गूगल हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं दे दूँगा, साथ में आप तंदूरी फ्लेम्स जयपुर करके आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, आपको डायरेक्शन वगैरह फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो हमारा डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, आप आ सकते हैं यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। ऐसी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत दूर दूर सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे बैठने में आपको, और बिल्कुल घर जैसा फील होगा आपको यहाँ पे। एग्जैक्टली एंड ये लोग जोमेटो एंड स्विगी पे भी अवेलेबल हैं, इन केस अगर आप खुद नहीं आ सकते हैं तो आप जोमेटो या स्विगी के थ्रू से आप इनके यहाँ पे खाना ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा मेन कोर्स। बेसिकली ये चिकन दम बिरयानी है और इसमें मैं देख रहा हूँ कि एक लेग पीस दे रखा है इन्होंने और दो दो बेसिकली चिकन पीस है, मतलब मीडियम साइज़ के दो पीसेस हैं जो कि सफिशिएंट है। और जो ये क्वांटिटी है ये काफ़ी हद तक मेरे हिसाब से अगर नॉर्मल भूख लग रही है तो आप दो जने खा दो जने आराम से इसको खा सकते हैं। और अगर आपका डाइट बहुत अच्छा है तो मेरे ख्याल से अगर आपने एक बिरयानी ऑर्डर कर दिया तो किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी चीज़ के लिए आपको ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो चीज़ मैं बता रहा था आपको दो पीसेज हैं, तो दो पीसेज नहीं है बेसिकली तीन पीसेज हैं, क्योंकि जब मैंने नॉर्मली इसको देखा तो मेरे को लग रहा था कि दो पीसेज हैं तो एक पीस और निकल के आ गया नीचे से। तो बेसिकली ये तीन पीस देते हैं तो मेरे हिसाब से अब तो ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा मतलब साइज़ है बिरयानी के हिसाब से। टेस्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं वहीं आ रहा था, यूजुअली हैदराबादी बिरयानी बहुत स्पाइसी मानी जाती है राइट राइट, लेकिन इन्होंने मेरा ख्याल रखा है राइट right? इन्होंने उतना ज़्यादा स्पाइस नहीं रखा है, बहुत नॉर्मल स्पाइस है जो बिरयानी में बनता भी हो ना, तो ओवरऑल स्पाइस के हिसाब से बहुत जेन्युइन है, बहुत कम स्पाइस है और जितना होना चाहिए उतना ही है। बेसिकली बिरयानी में जो स्पाइस ऐड होता है वो होता है गर्म मसालों की वजह से, तो गरम मसालों का जो स्पाइस है वो बहुत सटल रखा है, बहुत ज़्यादा तेज नहीं है, बहुत कम नहीं है, मीडियम स्पाइस में इन्होंने बनाया है। सो बिरयानी हमारी ख़त्म नहीं हुई है और इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, हमको टाइम लगेगा खाने में ठीक है, तो इसको हम फटाफट फिनिश करते हैं और आपको बहुत सारे दो तीन इंपॉर्टेंट बातें बतानी है, उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा का पूरा देखना पड़ेगा, एंड तक देखना पड़ेगा तभी पता चलेगा। बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस जो जो चीज़ें भी हमने खाई है उसकी प्राइसेस क्या क्या है राइट राइट। तो और प्लीज़ आइएगा यहाँ पे तंदूरी फ्लेम, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स वगैरह सारी दे दूंगा मैं। तो फटाफट हम उसको फिनिश करते हैं और आपको मिलते हैं इस वीडियो के एंड में राइट। ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ द फूड वॉज वेरी गुड, वी रियली रियली एन्जॉयड द फूड। सारे के सारे जो भी डिशेज हमने ऑर्डर करे थे सारे बहुत टेस्टी थे, बाकी आगे का सुझाव मिलते हैं। हाँ और प्राइसिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सो प्राइसिंग कुछ इस तरह से है, जो हमने प्लेटर लिया था मिक्स चिकन टिक्का का जो प्लेटर लिया था उसकी प्राइसिंग थी 580 ठीक है, और ये ऑलमोस्ट दो से तीन लोगों के लिए सफिशेंट था। उसके अलावा जो हमारा दम बिरयानी था वो 300 रुपये का प्लेट है जिसमें तीन पीस चिकन था और क्वांटिटी वाकई में काफ़ी अच्छी खासी थी। जो हमारा गलौटी कबाब था वो 250 का था,
जो पराठे हैं, जो हमने दो पराठे लिए थे वो 15 रुपये का एक पराठा है, तो 30 रुपये का दो पराठा है। तो यूजुअली अगर टोटल भी देखा जाए तो मेरे हिसाब से 1000 से 1100 के बीच में पूरा का पूरा ये मेरा, क्योंकि 1000 भी नहीं, इनफैक्ट हाँ, आप जैसे 300 और 250 आपका मुश्किल से 1000 भी, मतलब 1000 से 1100 के बीच में अगर आप और भी कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी लेते हैं और एडिशनल चीज़ें ऐड करते हैं तो 1000 रुपये के अंदर आप प्रॉपर पूरा फूड आप इन्जॉय कर सकते हैं, 3 जनों का खाना हो जाता है। एग्जैक्ट, तो आप समझ ही सकते हैं कि 3 जगह खाने 1000 रुपये सारा नॉनवेज आइटम, तो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल है और इतना इकोनॉमिकल मेरे हिसाब से बहुत कम जगह पे होता है। इन्होंने रेट्स काफ़ी अच्छे रख रखी हैं। सो यही था मेरा बताने का मकसद आप लोगों को कि यहाँ की प्राइसिंग, यहाँ का खाना वाकई में लाजवाब है। कोरोना के डर से ऐसा मत समझिए कि आप यहाँ पे आ नहीं सकते, आप यहाँ पे आ सकते हैं, सारे इन्होंने सेफ्टी मेजरमेंट्स फॉलो कर ही रहे हैं। और साथ ही साथ जो अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि जोमैटो है, स्विगी है, आप उनके थ्रू से भी इनको ऑर्डर कर सकते हैं। इनकेस अगर आप पर्सनली नहीं आ सकते तो आप जोमैटो या स्विगी के थ्रू से आप इनको ऑर्डर अपना सर्व कर सकते हैं एंड यू कैन एन्जॉय द डिलीशियस फूड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड वी रियली होप कि आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। एंड हमारी एक छोटी सी कोशिश है इन इस रेस्टोरेंट को प्रमोट करके, उनको हेल्प करने के लिए, ताकि वो अपना जो इतना डिलीशियस फूड वो सर्व कर रहे हैं वो आप लोगों तक भी पहुंचा सके। सो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया, तो आप सबसे पहले तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। और डिस्क्रिप्शन में इनका सारा का सारा डिटेल्स जो है ऑलरेडी इज़ गिविंग यू, सो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट दैम। कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे इन्होंने अभी जो रिसेंटली स्टार्ट किया है पार्टी पैक, बेसिकली मतलब 10 लोग या 10 से ज़्यादा लोग हों या डबल आप कर सकते हैं, मतलब 1500 रुपये 1550 में ये वेज है इनका पैक, जिसमें 3 फुल सब्जी, बिरयानी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको हो सके तो इसका लिंक जो है मैं आपको भेज दूँगा। 1820 में इनका नॉन वेज वाला पार्टी पैक है। तो पार्टी पैक बेसिकली ये होता है कि हम घर में 10-15 जने हैं और अगर हमको घर में एक छोटी सी पार्टी रखनी है तो उस हिसाब से भी हम इन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो ये ऑप्शंस भी आप लोग जो हैं ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे और बहुत ही इकोनॉमिकल ऑप्शन है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट प्राइस वाइज काफ़ी इकोनॉमिकल है, बहुत ज़्यादा। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर, सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और इसी के साथ अब हम आपको किसी और वीडियो में मिलेंगे, किसी और जगह पे, हो सकता है घर पे। सो आपसे विदा लेते हैं, प्लीज़ ख्याल रखिएगा और कोरोना के टाइम में अपना सेफ्टी और अपने परिवार की सेफ्टी तो रखनी ही है आपको, प्लस डिलीशियस खाना खाना कभी नहीं भूलना है, वो जारी रहना चाहिए। इसी के साथ बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।